दुर्गापुर के हॉकरों ने अवैध अतिक्रमण और अवैध कब्जे के विरुद्ध एडीडीए के कार्रवाई के प्रतिवाद में किया प्रदर्शन। पुनर्वास की मांग पर दुर्गापुर के चतुरंग मैदान से एक प्रतिवाद रैली निकालकर दुर्गापुर के एडीडीए कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। आसनसोल दुर्गापुर डेवलपमेंट अथॉरिटी अर्थात एडीडीए ने दुर्गापुर के विभिन्न अंचलों से अवैध दखल कर बनाए गए दुकान, गैराज, पार्टी ऑफिस, घुमटी समेत अन्य दखलदारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर रही है। दुर्गापुर के सिटी सेंटर समेत अन्य क्षेत्रों में अवैध दखलदारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए पहले माइकिंग की गई, फिर नोटिस दिया गया, अब कार्रवाई पर उतरे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता समेत राज्य के ग्राम पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम को अवैध अतिक्रमण और अवैध कब्जे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसी निर्देश के तहत राज्य भर में जिला प्रशासन और नगर निगम, नगर पालिका और ग्राम पंचायत को साथ लेकर कार्रवाई कर रही है। इस कार्रवाई से अछूता नहीं है पश्चिम बर्धमान जिला भी। पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल, दुर्गापुर, शिल्पांचल के विभिन्न हिस्सों में अवैध अतिक्रमण एवं अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच उखड़ा बाजार के व्यवसायियों के प्रतिवाद के बाद इसी दिन यानी शुक्रवार को दुर्गापुर के समस्त हॉकरों ने एक जगह इकट्ठे होकर शहर में प्रतिवाद जुलूस निकाला। ये जुलूस दुर्गापुर के चतुरंग मैदान से आरंभ की गई और एडीडीए ऑफिस के सामने आकर समाप्त हुई। हॉकरों का कहना है कि बिना पुनर्वास के ही एडीडीए कार्रवाई कर रही है, ये सरासर गलत है। वर्षों से हम यहीं पर व्यवसाय कर रहे हैं और अपना भरण पोषण कर रहे हैं, अचानक यूं हमें बेरोजगार बेघर कर देना उचित नहीं है। प्रदेश की मुख्यमंत्री से भी हमारा यही अनुरोध है कि अवैध अतिक्रमण दखलदारी के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले हमारे पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। কিছু আবেদন করবেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে? তখন সিটিজেনরা শিয়াল ঢুকে যেত। আজ এখন কোটি কোটি মানুষের পয়সা হয়েছে, এখন সাইড ভাঙতে হবে, রোড ভাঙতে হবে, তো আমাদের জন্য পুনর্বাসন করার জন্যই আমরা এসেছি। আমাদের অন্য কিছু দাবি নেই, আমাদের শুধু ছোটো ছোটো স্টল করে দেওয়ার দাবি। আমরা অনেক কিছু এলাকায় দেখেছি কিছুই ছিল না, তখন কয়েকটি দোকান মেলে আমরা কমিটি করেছি, আমাদেরকে দোকান মাত্রা ওই আমলে দিয়েছিলো কয়েকটি, এই আমলে তাও আমরা অনেক শান্তিভাবে দোকান পেয়েছি, না পাওয়া হলেই হকার পেয়েছে, সব জায়গায় দিতে পারেনি, এটাই খুব আমরা দুঃখিত। তার জন্য বলবো যে প্রত্যেকটি হকার ভাই যে যেখানে থাকে, যদি কোথাও জায়গা না থাকে তাকে অন্য জায়গায় দোকান করে দেওয়া হোক, আর যাদের যাদের জায়গা থাকবে সেখানে দোকান হোক, এটাই আমাদের এডিডিএ কর্তৃপক্ষকে তার জন্য জানানোর জন্যই আমাদের অসহায় মানে আমরা কোনো রাস্তায় বসে গেছি। এই মানুষ কোথায় যাবে? চাকরি নেই, বাকরি নেই, কল নেই, কারখানা সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তো আমরা এই মানুষ কোথায় যাবে, কোথায় নিয়ে যাবো? আমরা ঘুমাতে পারছি না, আমাদের কাছে ওরা ছুটে আসছে আর আমরাও এডিডিএ কর্তৃপক্ষের কাছে ছুটে আসছি। इस दिन दुर्गापुर एडीडीए कार्यालय के सामने हॉकरों ने अपनी मांगों के समर्थन में जमकर प्रदर्शन किया। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए एडीडीए ऑफिस के सामने विशाल पुलिस बल की तैनाती की गई थी। इतना ही नहीं, चतुरंग मैदान से लेकर एडीडीए ऑफिस तक उनके प्रतिवाद जुलूस पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। साधन ध्रुज की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। खुले एवं स्वच्छ वातावरण में घर बनाने का सपना पूरा करने के लिए गोविंदो धाम लेकर आया है ड्रीम हाउस प्रोजेक्ट, वो भी रानीगंज जामुड़िया शहर के बिल्कुल निकट NH-60 से महज कुछ कदमों की दूरी पर कुनस्तोड़िया तपसी पेट्रोल पंप के निकट गोविंदो धाम में आपको मिलेंगे उचित कीमत और आसान किश्तों पर प्लॉट्स और डुप्लेक्स। गोविंदो धाम प्लॉट में 24 फीट रोड के साथ टेम्पल पार्क, किड्स प्लेइंग एरिया और भी बहुत कुछ उपलब्ध होगा। गोविंदो धाम रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स से महज 4 किलोमीटर के दायरे में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मार्केट, हॉस्पिटल, स्कूल की सुविधा होगी उपलब्ध। गोविंदो धाम में प्लॉट्स और डुप्लेक्स बुक करने वालों को मिलेंगे अट्रैक्टिव गिफ्ट्स, तो फिर देर किस बात की,
आपके सपनों को पूरा करने गोविंदो धाम लेकर आया है ड्रीम हाउस प्रोजेक्ट। संपर्क करें 9332202961 7001804855।